हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं SBL का अनिका मोंटाना ऑयल। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी आप अनिका मोंटाना ऑयल कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किस किस सिम्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या MRP है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या MRP है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आप किस सिम्टम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये ऑयल प्रिपेयर किया गया है हेयर फॉल के लिए। अगर आपके बालों में हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर फॉल दो वजह से हो सकता है, एक डैंड्रफ की वजह से हो सकता है, एक नॉर्मली भी हेयर फॉल हो जाता है। जैसे आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो, शैम्पू या कंडीशनर या सीरम जो भी हो आप बालों में यूज़ करते हैं, हेयर कलर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से यूज़ कर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं, अगर आपके हेयर वाइट हो रहे हैं, बच्चे हो या बड़े हो, उनके एज से पहले वाइट हेयर हो रहे हैं, तो आप उसमें अनिका मोंटाना ऑयल लगा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा हो और ज़ुकाम से आपके बाल वाइट हो जाते हो, उसमें भी आप अनिका मोंटाना ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है, अगर आपके बालों की लंबाई आपकी पहले बढ़ी हुई थी और आपने कटिंग करा ली है, या आपके बाल बढ़ते ही नहीं हैं, तो आप उसमें अनिका मोंटाना ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ रूसी हो रही है और रूसी की वजह से आपके बालों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इसका क्या MRP है। तो फ्रेंड्स, का 180 इसका MRP है। यह आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की गई है। इसमें अरनिका जो बालों को काला करती है, अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो उसको ये अच्छे से ब्लैक कर देगी, यानी कि जो आपके बाल है वाइट हो रहे हैं तो वो आपके जैसे आपके नए बाल निकलते हैं तो वो ब्लैक होकर निकलेंगे। तो फ्रेंड, ये आपके वाइट हेयर में, डैंड्रफ में, हेयर फॉल में, और अगर आपको कोई भी जुखाम वगैरह हो रहा हो उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। तो फ्रेंड, आपको इसको यूज़ करना है। हम बात करते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आप रात को लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगाकर रात को भी छोड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी रात को ऑयल लगाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बाल हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आप इसको नहाने से 2 घंटे पहले भी इसको आप अपने हाथों से मसाज कर सकते हैं, फिंगर से अपने हेड में, सर में आप इसको मसाज करें फिंगर से। तो फ्रेंड, आप इसको 2 घंटे लगाकर छोड़ सकते हैं, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा खुद ही। सेकंड वीक में आपको उसका फ़र्क धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके आगे के बाल, जैसे फोरहेड के ऊपर बाल होते हैं और आगे से गंजापन हो रहा है, तो उसमें अच्छे से मसाज करें जिस एरिया में आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो फ्रेंड, इसका ज़्यादा MRP नहीं है और ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। ये SBL कंपनी जो ब्रांड है होम्योपैथिक का, उससे बनाया हुआ है अरनिका मोंटाना ऑयल। तो फ्रेंड, ये था आज का रिव्यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।